दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको यह नहीं पता होगा कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है। दोस्तों जब औरत रात के समय ऐसे सोती है और सुबह में ये काम करती है तो यकीन मानिए मैं नहीं कहता, बल्कि शास्त्र कहता है वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। दोस्तों नींद एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होती है। जब हम कुछ घंटे सो जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फिर हमारे अंदर दोबारा काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी आती है। दोस्तों वैसे तो सोने का सभी का एक अनुमानित टाइम फिक्स होता है, लेकिन कई बार यह नींद इतनी जोर से आती है कि व्यक्ति कभी भी कहीं भी सो जाता है। दोस्तों सोना व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाने के लिए भोजन। ऐसे में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और यह बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है। इसलिए आप भी जान लें, रात के सोते समय या काम जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नंबर वन, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि देर रात तक सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार देर रात बेवजह अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है। दोस्तों नंबर दो, धर्मशास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहां पर कभी भी राहु केतु और शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है तो सभी देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। दोस्तों नंबर तीन, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपने में आकर या आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे कामयाबी मिलती है। और दोस्तों नंबर चार, सबसे भारी दोष और भयंकर बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए शनिवार और मंगलवार और बृहस्पतिवार को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें, यह समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठना व्यक्ति पर कई सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। और दोस्तों नंबर पांच, अब बात करते हैं सुबह में आखिर सही समय क्या है उठने के लिए, किस समय आपको उठना चाहिए। तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त यानी इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सुबह उठने का सही समय 4 से 5:30 बजे का माना जाता है।
इस समय उठना मतलब कामयाबी को दर्शाता है। इस समय उठने वाला व्यक्ति देवताओं और माता लक्ष्मी का प्रिय होता है। दोस्तों जरूरी जानकारी, जब कोई महिला पूर्व और दक्षिण दिशा में सर करके सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है। खुशियां घर में ऐसे आती हैं जैसे मानो बरसता हुआ पानी। इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों जो जागता है वही पाता है और जो सोता है वो खो देता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में अपना वास बना ले तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी, माता रानी आप हमारे घर से कभी ना जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।